जय श्री गणेश दोस्तों वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी तीन बजे क्या होती है साइंस के मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है एक बार सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे रंजीत सिंह जी जय हिंद यहाँ पर गोई स्वामी जी बिल्कुल रोहित जी यहाँ पर जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद यहाँ पर एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट आप लोग हम लोग क्लास शुरू करते हैं हमारी ठीक है चलिए फटाफट एक बार सभी लोग क्या कर देंगे वीडियो को ये तीन बजे की क्लास है आपकी एक बार फटाफट शेयर कर देंगे और आप लोग क्या कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे ठीक है मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखिए आज आपकी जो क्लास है आज से आपकी जो क्लासेस होगी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी आपके पेपर तक ये क्लासेस थोड़ा सा एडवांस तरीके से चलेगी तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे आज से जो तीन बजे की क्लास में ठीक है तो ये विशेषकर इनको पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे ठीक है तो ध्यान रखिएगा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस बात को गौर फरमाइएगा इसके ऊपर चलिए तो वीडियो को शुरू करता है बाकी के टाइमिंग आप देख सकते हैं दस बजे आपकी टॉपिक वाइज क्लास होती है बारह बजे आपकी क्लास होती है ठीक है फिर आपकी एम की क्लास होती है ये देखिए एम पी जी के जीएस जी की क्लास ये सात बजे होती है ये क्लास करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है पेपर में आपको ये बहुत काम आएगी इसमें करंट अफेयर एमपी जी के जीएस जी के जो भी ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है आपसे चैलेंज रहता है ये पचास क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं बाकी टॉपिक वाइज होती है पांच बजे की क्लास होती है ये तो मैथ्स रीजनिंग की तो आप लोग जानते हैं नूतन मैम की होती है क्लास चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के तरफ चलिए यहां से बताएंगे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल इज कॉल्ड कृषि पशुओं को वैज्ञानिक प्रबंधन डैश कहलाता है क्या कहलाता है जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हैं पर यह सही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे ये सारे आपके व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने घर में बैठ के अलग से बनाए हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल ध्यान दिखेगा पशुपालन इसका राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पे यादव नेैना जी यहाँ पर सही कह रहे हैं आप पशुपालन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ रहा है यहां पर बिल्कुल कुलदीप जी फर्स्ट का डी सही बोला रंजीत जी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे किसका आंसर बता रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे उसमें चलिए आपसे पूछा गया यहाँ पर आपको बताना है कि विच इज द हाइस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है संगठन का उच्चतम स्तर क्या होगा यहां पर जल्दी से बताएंगे आपका ऑर्गेनिज्म आइटम्स सेल्स या बायोस्फीयर पर क्या होगा बिल्कुल कुलदीप जी बहुत ही सटीक आंसर आपने कहा यानी कि बायोस्फीयर का आपने बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ बिल्कुल क्लास अभी लाइव चल रही है आपकी ठीक है चलिए यहाँ पर टाइम की कमी होने के कारण जिसको देखिए अब लाइव इसलिए नहीं आता हूं कभी कभार तो कि आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाए मेरा भी काम रहता है वो भी हो जाए ठीक है तो आपका छुट्टी नहीं पड़े किसी चीज़ की जो मेरा टारगेट है आपको इतने क्वेश्चन कराने हैं और ये क्वेश्चन आपको देने हैं वो पूरा हो जाए ठीक है तो उस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको कौन से मिल रहे हैं बाकी लाइव है कि नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है अभी तो लाइव ही हूँ मैं आपके सामने चलिए यहाँ पर बताएंगे जल्दी से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताएंगे यहां पर इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा लाइक पोल ठीक है अनलाइक पोल यहां पर लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट आर ब्राउड टुगेदर ठीक है जल्दी से बताएंगे क्या होगा ठीक है दो बजे समान समान ध्रुवो ध्रुवो हो गया ध्रुवो को एक साथ लगाया जाए तो क्या होंगे रिपल होंगे यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग सही कह रहे हैं रिपल रिपल यहां पर आंसर आ गए दे रिपल ईच अदर यहां पर कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर सही जवाब है आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है थोड़ा सा देख लीजिएगा टाइपिंग एरर हो गया होगा कहीं जैसे ईच में लिख नहीं पाया ये ठीक है ईच अदर ठीक है दे रिपल ईच अदर बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हैं ठीक है डे लिख दिया वे की जगह इसने एक दूसरे को रिपल करेंगे बिल्कुल यहां पर सही जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आ गए हम लोग यहां पर बताएंगे आप लोग बिल्कुल नैना जी सही आंसर फर्स्ट वाला शिवानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग थर्ड का फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बिना कोई जवाब नहीं देगा ऐसे ज़रूर लिखिए क्वेश्चन नंबर ये आप ही लोगों के लिए डाला है नहीं तो इसमें भी आपके अगर देखा जाए तो पीडीएफ बनाने में पाँच मिनट बच जाएंगे अगर नंबर नहीं डाले जाए तो ठीक है तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर पीडीएफ आप ही के सुविधा के लिए बनाई जा रही है तो आप लोग क्या करें उसको फिर उसका फायदा भी उठाएं चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बताइए यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर कि एक कोशी का यूक्यूरिटिकटिक लिखा हुआ है थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गई इसमें जो जू जीव को दिया गया नाम बताइए कौन सा है यहाँ पे प्रोटिस्टा मोनेरा या कवक जय यहाँ पर बिल्कुल यहाँ परमार जी यहाँ पर जय महाकाल ठीक है चलिए फोर्थ का बी यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटिस्टा यहाँ पे कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ये किस में आता है आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटकर जी ने दिया था ठीक है आर एच विटकर ने दिया था ये वाला सभी को पता होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है जिसमें पांच होते हैं हमारे क्या होते हैं मोनेरा तो हो गया ठीक है प्रोटिस्टा यहाँ लिखा हुआ है फंगी भी यहाँ लिखा हुआ है बाकी दो, दो नहीं लिखे हुए यहाँ पे प्लेंटिया नहीं लिखा हुआ यानी कि और एनिमेलिया नहीं लिखा हुआ ये दो और जोड़ लीजिएगा ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटकर जी ने दिया था ठीक है और प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर है बाकी प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल और भी आप ले सकते हैं उसका वो होता है प्रोटोजोआस का एग्जाम्पल होता है फिर उसके अंदर और आते हैं आपके अमीबा आते हैं प्लाज्मोडियम यूगलीना वगैरह और आते हैं उसके अंदर आर एच विटकर से क्वेश्चन जेल ने दिया था तो आर एच विटकर जी ने दिया था ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा जेलपेरी का क्वेश्चन था पिछला वाला क्वेश्चन जो आया है आपसे पूछा गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है पर बताएंगे नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पर क्वेश्चन क्या होती है सॉफ्ट बोन होती है यहां पर ध्यान रखिएगा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहां पर कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होती है जिससे आपके नाक कान नोज वगैरह ये सारी चीजें हैं बोन के बोन बीच में भी आपको मिलता है कार्टिलेज सॉफ्ट बोन भी आपको मिलता है बिल्कुल सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है देखिए कनेक्टिव टिश्यू भी आपसे पूछा जाता है तो कार्टिलेज हमें पता है लेगम्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है एक चीज जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू की बात छेड़ी है तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है तो कभी कार ब्लड लिखा जाता है या फिर ऐसा लिखा रहता है इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो ज्यादातर लोग ब्लड पे टिक कर देते हैं अरे ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है तो ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए कोमल बिल्कुल यहां पे सॉफ्ट गेरा है नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछा गया है जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से क्या आपको बीमारी बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं ठीक है मैं आते हैं रंजीत जी बिल्कुल सही आंसर है बहुत ही सटीक आंसर कर रहे हैं आपसे जो आपकी जो वीडियो आपकी क्लास आपकी ली जाएगी तीन बजे क्लास हो रही है ये क्वेश्चन आपको बाकायदा डेफिनेटली पेपर में देखने मिलेंगे तो ईमानदारी से वीडियो जरूर देखिएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन भली बाद में रिकॉर्डेड देखिएगा लाइव देखिएगा जैसी इच्छा है आपकी वैसे देखिएगा पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा चलिए इन्फ्लुएंजा यहां पर कह रहे हैं बिल्कुल यहां पे सही जवाब दे रहे हैं इन्फ्लुएंजा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ठीक है इन्फ्लुएंजा हमारा एक वायरस होता है ध्यान रखिएगा और ये कौन सा वायरस होता है यहां पर ये भी ध्यान देखेगा कि मैक्सो वायरस होता है मैक्सो वायरस होता है ये भी आपसे पूछा जाता है ठीक है ऐसे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है या कुछ भी पूछ लेता आपसे कि इसमें से कौन सा वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है ऐसे करके आपसे पूछ जाएगा बिल्कुल ध्यान देखें इन्फ्लुएंजा यहाँ पर बिल्कुल रंजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित जी बिल्कुल सही सिक्स का ये कह रहे हैं आप भी शिवानी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है चलिए नया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर आ गया है जल्दी से बताएंगे आपसे पूछा है आपसे द मेन एक्सेडरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग इज ए मानव का मुख्य उत्पादक है ठीक है थोड़ा सा एरर हो गया होगा यहां पर मैन एक्सीटिव प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग कौन सा होता है यहां पे अमोनिया यूरिक एसिड कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया क्या होगा इसका राइट आंसर सागर जी ने बिल्कुल यहां पे सागर नामदेव जी ने बिल्कुल सही आंसर कह दिया है सागर जी बस सागर जी आप क्या करिए क्वेश्चन नंबर लिखिए क्वेश्चन नंबर जैसे सेवन चल रहा है थोड़ा सा बिल्कुल शिवानी जी सही आंसर यहां पर डी ऑप्शन यूरिया यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं यूरिया यहां पर बिल्कुल सभी लोग सही कह रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है चलिए बिल्कुल यहाँ पे यादव नीलम जी बिल्कुल सही उत्तर है सुमित जी बिल्कुल सही नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे ये अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए किसी ना किसी की शिफ्ट है, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि गहरे सागर में इस इसलिए वसी सूट पहनते हैं ठीक है थीके? वो जो सूट होता है वो कोई बहुत स्पेशल होता है क्यों होता है ये बताइए चलिए यहाँ पर स्पेशल सूट पहनते हैं वो लोग ठीक है जल्दी से बताएंगे क्या होगा किस कारण पहनते हैं क्या वजह होती है ऐसा ठीक है ऑप्शन आपको सारे दिख रहे होंगे मैं हटा देता हूं ये स्क्रीन से पेन को जल्दी से बताएंगे के वर्मा जी बिल्कुल यूरिया आप लोग कह रहे हैं पिछले वाले का आंसर बिल्कुल सभी लोग एक बार लाइव बटन को दबा दीजिए वीडियो के साथ आप लोग आ जाएंगे ठीक है जल्दी से डी ऑप्शन यहां पर कह रहे हैं सभी लोग ध्यान रखिएगा यहां पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है समुद्र में उच्च दाब को बचने के लिए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है देखिए अगर आप खुद ही सोचिए आपके स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी होते हैं आपने देखा होगा वो ढीले ढाले नहीं होते टाइट होते हैं ठीक है तो बहुत सारे कारण है यहाँ पर आपके यहां पर पहला है कि उच्च दाब के में बचने के लिए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है पहला वाला यहां पर टाइट भी होते हैं वो सूट एकदम और दाब वगैरह प्रेशर अगर ढीले ढाले कपड़े पहन जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है कभी तैरे होंगे आप लोग नॉर्मल कपड़े पहन के तो समझ गया होंगे आप लोग तैरने वालों को पता होगा चलिए यहां पर बताएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वैसे ये ईवीएस का क्वेश्चन है ये आपका ठीक है ईवीएस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कभी कभार आता है ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे चलिए यहां पर बताएंगे आपको बताना की आयु सी एन रेड लिस्ट ठीक है List, इसके बारे में सभी लोग अपने घर में एक बार सर्च करके पढ़ेंगे इसको क्या क्या होती है ठीक है इससे क्वेश्चन हमेशा आता है आयु सी एन के रेड लिस्ट होती है तो आयु सी एन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए ठीक है एक संस्था है ये पूरी यहाँ पर इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो इसके बारे में ध्यान रखती है वो कौन से क्या दिक्कत है कौन से पशु गायब हो गए कौन से क्या गायब हो गए एक्सट्रीन एनिमल कौन से हैं ये है तो रेड लिस्ट होती है वो क्या होता है ये आपको बताना है जल्दी से क्या आंसर होगा नाइन्थ का डी कह रहे हैं शिवानी जी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं यहाँ पर कि पादप और पशुओं की प्रजातियों में विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आंकलन करना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है इसका स्थापन कब हुआ था आपका 1984 में हुआ था देख लीजिएगा एक बार चेक करके जितना याद है पांच अक्टूबर याद है बस मेरे को तो बाकी एट्टी फोर वगैरह आप चेक कर लेना पांच अक्टूबर याद था मेरे को ठीक है एट्टी फोर है शायद ए फोर्टी एट होगा एट्टी फोर नहीं है थोड़ा सा एरर हो रहा होगा फोर्टी एट होगा डेफिनेटली फोर्टी एट है ठीक है हाँ फोर्टी एट है बिल्कुल चेक कर लीजिएगा एक बार और कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ फोर्टी एट है लीजिएगा बाकी पूछेगा पूछ लिया तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से बाकी ध्यान होना चाहिए हमें चलिए यहाँ पर बताएंगे आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर बाय अ साइंटिस्ट नेम नेम बताना साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिनने भी क्या डिस्कवर वगैरह किया हुआ है

टेंथ का आप लोग डी कह रहे हैं कोई लोग कह रहे हैं बिल्कुल जो लोग भी डी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सही जवाब पर इलेक्ट्रिक बिल्कुल सही, सही फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक है बिल्कुल इसका आप लोग सन याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो अठारह में किया था इन ध्यान रखिएगा हाँ बिल्कुल यहाँ पे आर के वर्मा जी बिल्कुल यहाँ पे फ्राइडे नहीं होगा इसका आंसर ध्यान रखिएगा ठीक है किया था यहाँ पे पर ठीक है 1820 में गया था उन्होंने ये भी ध्यान रख लीजिएगा इतना डीप में तो नहीं पूछेगा कभी वैसे चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ध्यान रखिएगा ये हैश नहीं है बेस लिखा हुआ है पर इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे बेस लिखा हुआ है चलिए यहाँ पर बेस लिखा हुआ है ये जल में चारे का विलेन की प्रक्रिया बताइए प्रकिक्रिया है क्या होगी नो हिट एक्सेंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक या एक्सप्लोसिव क्या होता है यहां पे क्या होता डी है डी अरे क्वेश्चन नंबर लिखे देखिए ये अभी अभी किसी ने बोला है डी कह रहे थे कुछ लोग चलिए यहां पर बताइए सुनाई नहीं दे रहा है किसको सुनाई नहीं दे रहा है यहां पर जल्दी से बताएंगे किसी को कोई आवाज में दिक्कत हो रही है क्या जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन यहां पर बिल्कुल क्या बोल रहे हैं जल्दी से बताएंगे ठीक है इंपॉर्टेंट जो कहा जा रहा है देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर ऐसे हल्के में मत लीजिएगा चलिए यहां पर हां नो इश्यू चलिए रोहित जी ने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ध्यान रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल यहां पे एक्सोथर्मिक होगी बिल्कुल यहां पर सही जवाब है आपका बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी जल्दी से बताएंगे उसमें थर्ड एक्सोथर्मिक बिल्कुल सही जवाब है आपका ठीक है बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दो लोगों में दिक्कत हो रही थी दो ऑप्शन में एंडो और एक्सो में तो एक्सोथर्मिक है ध्यान रखिएगा चलिए नया क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी हर बार आता है आपकी पेपर में जल्दी से बताएंगे इसमें विशेष भूमिका निभाता है, किस में विशेष भूमिका निभाता है हर बार आता है क्वेश्चन ये ये भी इंपॉर्टेंट है हर बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन इस बार भी फिर आएगा यह किसी ना किसी की शिफ्ट में ठीक है बिल्कुल आप भी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो मिलते हैं हमें बिल्कुल सही जवाब है यहां पर ट्वेल्थ का ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब से दही बनाने में यहाँ पर काम आता है, है। लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग चलिए कॉल ऑयल पूछा गया है थर्टीन का क्वेश्चन नंबर ऑयल ऑप्टेन फ्रॉम द फिश इज रिच इन में रिच होता है वो जल्दी से बताएंगे चलिए यहां पर बताएंगे जल्दी से कि मछली से प्राप्त कोड याकृत तेल इसमें संप्रद होता है किसमें होता है जल्दी से बताएंगे डी ऑप्शन कह रहे हैं विटामिन ए और डी कह रहे हैं यहां पे कुछ लोग डी कह रहे हैं डी तो बिल्कुल डेफिनेटली होना ही है उसमें बिल्कुल यहाँ पे विटामिन ए और डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है विटामिन ए और डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर टू यहां पर बिल्कुल करेक्ट है मतलब क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर टू यहां पर बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल रोहित जी बिल्कुल सही विटामिन ए और डी यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग सुमित जी बिल्कुल सही है यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपकी स्क्रीन के सामने ये इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट भी मान लो और टफ भी मान लो इसे ठीक है अगर पता है तो सही है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यह इंपॉर्टेंट इसके चारों ऑप्शन भी है ठीक है जल्दी से बताएंगे इसके अंदर रॉन्ग मैच बोला है आपको रॉन्ग मैच बताना है चलिए होमवर्क भी आ गया आपके लिए सामने आप लोग चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर ध्यान से पढ़िएगा चलिए ये ध्यान रखिएगा इसके ऑप्शन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा काम आएगा ये आपके क्वेश्चन चलिए बहुत ही स्क्रीनशॉट शॉट मान लीजिएगा अभी अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले मार लीजिएगा इसका चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग इसका क्या आंसर कह रहे हैं फोर्टीन का बी यहां पर कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर देखिए क्या कह रहा है ये हमें चलिए अगर हमें ये वाला पता भी नहीं हो कि फीलिंग स्पेस इन बिटवीन ऑर्गन ठीक है पहले तो ये सर्च करिएगा कि ये कौन फिलिंग करता है ठीक है ऑर्गन के बीच में कार्टिलेज हमें पता है कार्टिलेज तो बिल्कुल नहीं करता है तो ये वाला तो हमारा कथन गलत हो गया इस हिसाब से हमारा ये आंसर सही है ठीक है हमें भले ये वाला नहीं पता हो पर कार्टिलेज के बारे में हम जानते हैं सॉफ्ट बोन होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किसी स्पेस को फिलिंग करने के लिए काम नहीं आता है कि स्पेस बिटवीन ऑर्गन किसमें नहीं काम आता है ध्यान देखिएगा यहाँ पर ठीक है बिल्कुल यहां पर क्या होगा सेकंड वाला है के अंग के बीच में स्थान को भरना यहां पर गलत आंसर है उपस्थिति आनेंगी कार्टिलेज कह रहा है वो जो कि गलत आंसर है ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है अब आपका काम क्या है इसको सर्च करना है तो कौन फील करता है फीलिंग ऑफ द स्पेस बिटवीन ऑर्गन तो कौन फील करता है ये आपको फील करता नहीं फील भरना ठीक है बिल्कुल कौन भरता है तो बिल्कुल सर्च करिएगा इसको और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे इसका आंसर चलिए यहां पर बताएंगे यहां पर क्या होगा इसका आंसर नया क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है नेम द फाइलम टू क्राइफिश बिलोंग ठीक है क्राइफिश किस फाइलम से बिलोंग करती है बिल्कुल गलत जवाब है टेंडन नहीं होगा उसका आंसर देखा मैंने कहा था ना सर्च करने को इसलिए कहा मैंने टेंडन भी नहीं होगा उसका आंसर चलिए टेंडन तो टेंडन क्या काम करता है ये भी तो पता होना चाहिए हमें ठीक है बोन से मसल को कनेक्ट करता है कि मसल से बोन टू बोन कनेक्ट करता है बोन टू बोन लेगामेंट कनेक्ट करता है टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट करता है ठीक है चलिए यहां पर बताइए नया क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने एक और जो इसका भाई है एक और इसका भाई है वो वो है आपको टेंडन के अलावा एक और पता होना चाहिए बहुत कम उससे क्वेश्चन आता है पर वो पूछा जाता है सर्च करेंगे पता चल जाएगा इसलिए सर्च कहा है मैंने सर्च करने को कहा है अरे बोन टू बोन टेंडन कहां से कनेक्ट करता है कितनी गलत बात है मतलब चलिए ना यहां से बताइए क्या होगा इसका आंसर क्राइफिश आपसे क्राई पूछा गया किससे बिलोंग ब्लौ, करती है ठीक है जल्दी से बताएंगे ये मछली है मछती लिखा हुआ है यहां पे मछली है बी यहाँ पे एंडोडरमेटा यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे सॉरी इकोनोडरमेटा कह रहे हैं नहीं बिल्कुल इकोनोडरमेटा यहाँ पर गलत आंसर है ठीक है इकोनोडरमेटा आपका गलत आंसर है उसमें स्टार फिश वगैरह ये सब आती है ठीक है ध्यान रखिएगा यहाँ पे अर्थपोटा से बिलोंग करता है वो ध्यान रखिएगा यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा अर्थपोटा से बिलोंग करता है वो ठीक है जो होती है फिश हमें सुन के लग रहा है ऐसा क्रे फिश जो होती है वो अर्थपोटा से बिलोंग करती है ध्यान रखिएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ध्यान दिखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे और आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है एनिमल किंगडम में ठीक है एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है तो वो आपका अर्थ पोडा होता है ध्यान अर्थ पोडा होता है जिसके मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके थोड़े बहुत जैसे काक्रोच होता है आपका बटरफ्लाई हो गया जिनके आड़े पेड़ पेड़ होते हैं ठीक है वो इसमें बिलोंग करते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लार्जेस्ट आपसे पूछाएगा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आपसे पूछा जाएगा तो वो अर्थपोटा है अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा आपसे तो मुलेसका होगा सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो मोलेस्का होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लीजिएगा क्वेश्चन बना हुआ है इससे ठीक है पूछा गया है आपसे क्वेश्चन हाँ बिल्कुल अब सही लिखा है आपने रोहित जी बोन टू बोन का चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे क्वेश्चन सिक्सटीन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यहां पर ऐसी गलती मत करिए जो पुराने हैं हाँ बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट मोलेस्का होता है फर्स्ट और फिर लार्जेस्ट फाइलम में कौन सा होता है एनिमल किंगडम में तो वो होता है अर्थपोर्टा यहां पर ठीक है जिसमें काक्रोच बटरफ्लाई ये सब आते हैं इसमें क्राई फिश भी अभी आपको से पूछा गया है यहां पर चलिए झिंगा फिश भी आती है उसमें जिसे हम चलिए यहां पर बताएंगे नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चलिए जल्दी से बताएंगे आपसे पूछा गया है गिवा सिंग, सिंगल बायोलॉजिकल टर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस इन अ एरिया तो क्या कहेंगे एक क्षेत्र में घोड़े के समूह के लिए एकद जैविक पद्धति बताइए क्या होगा यहां पर सिस्टीन का डी यहाँ पे कह रहे हैं हेड यानी झुंड कह रहे हैं आपकी झुंड यूज किया जाएगा बायोलॉजिकल टर्म यूज करना है आपको ठीक है तो क्या झुंड कहा जाएगा ऐसा आप कह रहे हैं डी ऑप्शन कह रहे हैं पे सभी लोग कि झुंड 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 पर पर नहीं जनसंख्या पर कहा जाएगा पॉपुलेशन कहा जाएगा उनको भी ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे झुंड नहीं कहा जाएगा ठीक है पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर अंजलि जी कह रही है सेकंड स्पीशियस नहीं जाति हो गई वो तो प्रजातियां हो गई ऐसे नहीं आपको झुंड में कहा गया है कि झुंड में खड़े हुए हैं वहां पर ऐसी बात करिए कि उसमें बायोलॉजिकल टर्म यूज करना था आपको तो बिल्कुल ध्यान देगा पॉपुलेशन ही जनसंख्या ही यूज करी जाएगी उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये कि क्या क्या सोचेंगे सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग सोच आंसर दे सकते हैं चलिए ये बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के पूछे आप पूछा गया है यहां पे ठीक है आंतरविधि के बारे में पूछा गया है यहां पर जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर सभी लोगों को पता है इसके बारे में ठीक है चलिए पर नया क्वेश्चन आ गया है जल्दी से बताएं कि आंतरविधि संकरण का क्या मतलब होता है जल्दी से बताएंगे यहां पर क्या होगा यहां पे जेनेटिक्स का पार्ट है आपका बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन के उसमें पूछा गया था बिल्कुल यहां पर आपके क्या है जॉर्ज मैंडल जी जो कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर आंसर कर रहे हैं सेवनटीन क्वेश्चन नंबर का क्या होगा आंसर नंबर बिल्कुल यहां पर नो आइडिया फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ठीक देखिए जेनेटिक्स में क्या हुआ था जब अपने जो क्या नाम है जॉर्ज मैंडल जी थे उनने क्या थे सात सात प्रकार की अलग अलग चीजें ली थी क्या ली थी पी ली थी यानी कि मटर लिए थे आप लोगों को यह भी चीज पता है उससे उन्हें चेक किया था सात तरह के अलग अलग को उनमें फिर जातियों को चेक किया था उनने फिर उनको पता चला था जेनेटिक्स के बारे में उस चीज को पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन को लेके ठीक है ये वर्ड वहीं से आया यहाँ पर ठीक है इंटरवे वेट्रियल हाइब्रिडाइजेशन यानी आंतरिक विधि संस्करण क्या मतलब होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पौधों के विभिन्न प्रकार के बीज क्रॉसिंग यहां पर चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एटीन आपसे पूछा गया है बहुत सड़ा सा क्वेश्चन था ये वैसे मुझे तो लगा था सब बता देंगे पता सभी को है बस अभी याद नहीं आ रहा यही तो बात है पता है अपने ने पढ़ रखा है अब मैंने बोल दिया तो याद आ गया हाँ वो ऐसा था हाँ वो ऐसा था ठीक है क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए हमें कि हाँ क्या पूछा क्या जा रहा है हमसे ठीक है ऐसे मैं तो अपने सरल लैंग्वेज में बोल दूंगा तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा सुन रखा है चलिए आपको बताना आइडेंटिफाई द टिश्यू नॉट सिंपल सैंपल परमानेंट उस उसको का ना पहचान करिए जो कि सामान्य स्थम्पिन नहीं है चलिए कौन सा है यहां पर चलिए यहां पर बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा है यहां पे पर उसने परमानेंट और उसमें पूछ लिया पे पर सिंपल परमानेंट आपसे पूछा गया है चलिए उसने आराम से नहीं पूछा है आपसे घुमा के चीजों को पूछा है उसने चलिए यहां पर फर्स्ट अंजलि जी कह रही है यहां कामा यहां पर कहा जा रहा है उनकी तरफ से चलिए और कौन कौन क्या क्या -के कहना चाह रहा है यहां पर यहां पर देखिए आपका जाइलम यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर जाइलम इसका राइट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा जाइलम यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा चलिए यहां पर जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को जाइलम क्या ट्रांसमिट करता है जल्दी से बता देंगे वाटर करता है फूड करता है क्या करता है क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है जल्दी से सभी लोग बताएंगे मेरे को जाइलम का क्या काम होता है यहां पर जल करता है नीलम जी यहां पर कह रही हैं चलिए यहाँ पर वाटर वाटर बिल्कुल यहाँ पेलम जाइलम वाटर ट्रांसमिट करता है और आपका एक और भाई बंधु अपना क्या होता है फाइलम होता है वो क्या करता है फूड करता है ध्यान दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए जब कंपन का आयमन बढ़ता है तो उत्पादक ध्वनि ऐसी होती है कैसी होती है बल्ले बताइए वेन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस कैसा

क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर का सभी लोग शिवानी जी कह रही है लाउडनेस ऑप्शन होती है ठीक है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की आपको बताया था मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी आपकी तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा यहां पर आपसे द वाइब्रेशन इज लास्ट अधिक है तो क्या होगा साउंड भी आपका अधिक होगा ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है सेकंड वाला हाँ बिल्कुल देखिए मैं तो आपको क्या बता रहा हूं मैं तो खुद इंग्लिश मीडियम से होने के बाद इंग्लिश में पढ़ने के बाद भी मैं हिंदी में चेक करता हूं कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या पूछना क्या भाई कहना क्या चाहते हो ठीक है तो ऐसा हो जाता है तो आप लोग दोनों में फटाफट पढ़ लिया करो स्पीड हो जाएगी रीडिंग करने की भी देखिये अगर पहली बार भी समझ में आ गया क्वेश्चन तो फिर तो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें ठीक है अरे ये तो सबसे इजी है ये क्वेश्चन कौन भाई मेरा कह रहा है कि टफ ले बिल्कुल ये तो सबसे सड़ी है यहां से तो क्वेश्चन शुरू ही होंगे आपके आज से जो मैंने क्वेश्चन लेना शुरू किए हैं ना आज से तो ये पेपर में आपको मिलेंगे ही ये तो आएंगे ही आएंगे टफ भी आएंगे और अभी तो टफ ही नहीं है ये चलिए आपसे पूछे क्या है यहाँ पे जल्दी से बताएंगे नॉट ए एंटीबायोटिक आप देखिए अगर कोई पढ़ रहा हो तो एंटीबायोटिक्स जल्दी से लिख लीजिए फटाफट एक पेन पे उतार लो कहीं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं बार 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 पूछे जाते हैं तो ठीक है जल्दी से बताएंगे हाँ ये बिल्कुल सही है इंग्लिश में सिंपल वे में दिया होता बिल्कुल यहां पर देखे बिल्कुल यहां पर क्या आंसर दिया है अंजलि जी ने बिल्कुल सही दिया है सागर जी बिल्कुल सही यहां पे क्यों ने यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहां पे एंटीबायोटिक नहीं होती बाकी आप ये तीनों नोट कर लेना अपनी कॉपी में साइड में कहीं कोने कोपचे में कि ये एंटीबायोटिक होते हैं पूछा जाता है बार बार आपसे ये क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे हम लोग आ गए हैं जल्दी से बताएंगे ट्वेंटी वन आपसे पूछा गया है ठीक है निम्न में से कौन सा एक जीव नहीं है कौन सा नहीं है यहां पर सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है जल्दी से बताएंगे ठीक है अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है जल्दी से बताएंगे यहां पे हाँ बिल्कुल सही जवाब चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आपसे पूछा गया है जल्दी से बताएंगे डी ऑप्शन कह रहे हैं यहां पे मशरूम बिल्कुल यहां पर सही जवाब है मशरूम है, क्या है फंगस है ध्यान रखेगा ठीक है फंगस है यहां पर ठीक है मशरूम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं मशरूम नहीं होता है ध्यान दीजिएगा शिवानी जी बिल्कुल सही आंसर रोहित जी बिल्कुल सही फर्स्ट नहीं होगा अंजलि जी बैक्टीरिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप मना कैसे कर रहे हैं नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा गया ठीक है पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है चलिए क्वेश्चन को ध्यान से माइक्रो ऑर्गेजम नहीं पूछा गया था आपसे कौन सा नहीं है पूछा गया था चलिए पोलर में मेल्ट ड्यू टू ठीक है बर्फ टोपी इसके कारण पिघल सकते हैं किसके कारण पिघल सकते हैं भैया जल्दी से आएंगे जल्दी से बताएंगे बहुत ही ये तो इजी क्वेश्चन है अगर किसी मेरे भाई बंधु को अगर इंग्लिश और इंग्लिश क्या साइंस अगर टफ लग रही है इस क्वेश्चन को देख के तो आप थोड़ा सा अपना एफर्ट्स ज्यादा लगाएं आपको क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे ठीक है अगर ये भी टफ लग रहा है ये सारे बेसिक क्वेश्चन है ये तो हर पेपर में आपको देखने को मिलते चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो चलिए यहां पर शिवानी जी कह रही है ऑल यहां पर बिल्कुल यहां पर कह रहे हैं ऐसा एसिड रेन भी उसका कारण है क्या ऑल ऑल यहां पर सभी लोग कह रहे हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लियर यहां पर कह रहे हैं चलिए ऑल नहीं होगा यहां पे ग्रीन हाउस गैस होगा ध्यान रखिएगा सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट जवाब है ठीक है बिल्कुल डी नहीं होगा यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे बढ़िएगा ठीक है मैं एक बार और चेक कर लूंगा ठीक है क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन यहां पर कह रहे हैं तो मैं एक बार और चेक कर लूंगा बाकी यहां पर ग्रीन हाउस तो है बिल्कुल ऑल नहीं होगा यहां पर क्योंकि एसिड ट्रेन का मुझे नहीं लग रहा है तो मैं चेक कर लूंगा मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं सही कह रहा हूं ठीक है ऐसी ट्रेन का मुझे नहीं लग रहा है इस हिसाब से उसको ऑल नहीं कह सकते हैं ग्रीन हाउस यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ध्यान दीजिएगा सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है अब देखता हूं कितने लोगों को ये याद है हाँ बिल्कुल अगर पढ़ना चाहे तो इंटरेस्टिंग तभी होगी वो ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यहां पर आ गया आपकी स्क्रीन में आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर्टी डिग्री दे रखा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा अब तो भैया जिसको थ्योरी पता है वही आंसर दे पाएगा इसका हाँ तो बिल्कुल इसलिए सेकंड वाला आंसर उसका सही है ठीक है ठीक है तो भी मैं एक बार उसको चेक करूंगा पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बिल्कुल होता है ये डेफिनेटली उस कंफर्म है चलिए यहां पर फोर्टी कह रहे हैं सुमित जी यहां पर बिल्कुल जीरो डिग्री कह रही है अंजलि जी यहां पर 40 डिग्री रोहित जी भी कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर हम सीधे फंडा जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यहां पर बिल्कुल यहां पर ये ध्यान रखेंगे अगर 40 डिग्री ये दे रखा है तो रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा यहां सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मैंने आपको एक बार बताया था क्या बताया था मैंने मैंने आपको यह बताया था ये नॉर्मल रे होती ठीक है एंगल लाइट आती है ये रिफ्लेक्शन आया यहां से और ये रिफ्लेक्ट हो, हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया यानी कि ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये आपका ठीक है ये दोनों इक्वल होते हैं मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है बिल्कुल आपको मैंने बताया था किस किस को याद है जल्दी से बताइए कितनी बार मैं बता चुका हूं ये चीज आपको ठीक है तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो एंगल होते हैं दोनों इक्वल होते हैं तो आपसे हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर फोर्टी अगर ये दे रखा है तो फोर्टी हमारा रिफ्लेक्शन भी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं आप देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि आपको वो होगा थोड़ा सा कि यार टफ है पर ये पूछा जाता है हर बार पूछा जाता है कभी क्वेश्चन को बड़ा करके पूछ लेता है कभी क्वेश्चन को छोटा करके पूछता है चलिए यहां पर बताएंगे जल्दी से सभी लोग इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गैसों तथा नमी में नबी का मार्ग पत्तियों में तथा तनों पर कहलागे वाले ध्रुवो द्वारा नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है द गैसेज एंड द मॉइस्चर रेगुलेटेड ऑन लीव्स एंड स्टेम थ्रू ओपनिंग कोल्ड डैश जल्दी से बताएंगे क्या होगा गौरव शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे स्टोमेटा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है स्टोमेटा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है स्टोमेटा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है सागर जी नीलम जी बिल्कुल सही नैना जी बिल्कुल सही यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे नैना जी का भी आंसर सही है यहाँ पर चलिए यहाँ पर बिल्कुल रंजीत जी सही उत्तर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डेली आपकी ये क्लास तीन बजे लगती है ठीक है अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ सुबह आपकी दस बजे होती है टॉपिक वाइज क्लास जो कि अभी थोड़े दिन से नहीं हो रही है ठीक है अब वो थोड़े दिन से क्यों नहीं हो पा रही है आप लोग वीडियो को देख लाइक ही नहीं करते हो देखते हो वीडियो को लाइक ही नहीं कर पाते उसमें इतनी मेहनत लगती है फिर मेरे को ऐसा मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है कि नहीं यार थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग रही है और बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं उसको यानी कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रही आपको चाहिए नहीं वैसा मटेरियल तो ठीक है थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए आप लोग भी वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर करिए चलिए यहां पर वीडियो यहां पर लाइक करेंगे शेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपसे पूछा है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस जल्दी से पहले हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है ये तो सरल सा है क्वेश्चन कौन 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 कह कह रहा रहा है पर कौन कौन रहा है पर कि कि ये ऑक्सीजन नहीं होती है कौन कह रहा है रोहित जी कह रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है पक्का मान लो ऑक्सीजन नहीं होती अच्छा एक कह रहे हैं रंजीत जी पे कह रहे हैं ओजोन नहीं होती है बिल्कुल नीलम जी जी ने लाइक कर दिया है धन्यवाद जी आपका ठीक है चलिए यहां पर सी ऑप्शन कह रहे हैं ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल यहां पर सही जवाब है देखिए मीथेन होती है बिल्कुल सी होती है हमारी बिल्कुल सीओ होती है यहाँ पर हमारी बिल्कुल सही है ओजोन भी होती है हमारी बिल्कुल सही एक आपकी होती है एन टू ठीक है यहाँ पर आपकी सैर से होती है नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है नहीं होती है बिल्कुल होती है यहाँ पर जिसका ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है आपकी मेन ज्यादातर यही पूछी जाती है जो पांच में आपको लिख देता हूं यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता है तो ओजोन तो लिखी है यहाँ पर ओ ठीक है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखी हुई है सी ओ टू पर मीथेन भी लिखी हुई है सी ठीक है एक और लिख दीजिएगा वाटर वेपर भी होती है ठीक है एच भी कहते हैं वाटर वेपर एक और होती है आपकी क्या नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ होती है एन होती है ठीक है ये होती है बिल्कुल ध्यान रखेगा ऑक्सीजन नहीं होती है इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑक्सीजन नॉट पूछा था क्योंकि हमसे चलिए आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ ग्रीन हाउस से क्वेश्चन आता है नोट कर लीजिएगा उसको चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपसे पूछा गया यहां पर जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपकी आंखों के सामने गलत हो गया यहाँ पर सागर जी कोई बात नहीं सागर जी आप गौरव शर्मा जी कह रहे हैं सेवेंटी सी स्कोर आ रहा है एमपी पुलिस में कहा से आ रहा है ये बताइए सबसे पहली बात तो वो स्कोर आ कहाँ से रहा है मतलब पुराने पेपर से आ रहा है या फिर कहीं टेस्ट सीरीज से आ रहा है कहाँ से आ रहा है वो स्कोर चलिए ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमने पहले पेपर वो देख रखा है और फिर उसे ही सॉल्व कर रहे हैं फिर हम सोच रहे हैं कि सेवेंटी सिक्स का स्कोर आ रहा है हमारा ठीक है ये जरूर बताइएगा ट्वेंटी सिक्स आ गया हेमंत जी यहाँ पे कह रहे हैं जल्दी से बताइए बिल्कुल हेमंत जी आपका भी नाम ले लेंगे चलिए नया क्वेश्चन आ गया जल्दी से बताएंगे ठीक है आपसे क्या फॉलोइ एपरेटर कैन बी यूज से पेट्रोल एंड वाटर यूज किया जाता है जल्दी से बताएंगे अरे यहां पर सभी लोग फ्लक्स के रहे हैं यहां पर बिल्कुल यहां पर देखे यहां पर आपका राइट आंसर होगा सेपरेटिंग फनल यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहां पर सेपरेटिंग फनल यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा वाटर एंड वाट पेट्रोल एंड वाटर सेपरेटिंग पेट्रोल एंड वाटर के लिए क्या है सेपरेटिंग फनल जो कि कितने नेना जी ने आंसर दिया है बिल्कुल यहां पर अगर देखिए पुराने पेपर के मैं बात बताता हूं आपको पुराना पेपर क्या होता है हमारी आंखों के सामने से वो पहले ही गया हुआ है तो वो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल बनते हैं क्योंकि हमें एमपी पी के भी पता होते हैं जीएस जी के भी पता होते हैं ठीक है अगर कहीं से आप लगा रहे हैं सेवेंटी आ रहे हैं अच्छी बात है और 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 मेहनत करिए ऐसे खुश नहीं होना है कभी भी खुश नहीं होना है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं अब तो ऐसा हो जाएगा खुश कभी नहीं होना हमेशा अपने में कमी ढूंढो कि नहीं अभी भी कम है सेवनटी फाइव भी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं गलत आ रहे हैं और चाहिए मेरे को अस्सी अस्सी को टारगेट कर लो फिर कि अब अस्सी आना चाहिए ठीक है गलती कहाँ हो रही है उसको जरूर देखिएगा गलती को जरूर चेक करिएगा सेवनटी फाइव आ गए वो तो अच्छी बात है पच्चीस क्यों नहीं आए ये देखिएगा वो पच्चीस क्यों नहीं आए इसको पता करिएगा ठीक है सेवनटी फाइव आए वो तो हमेशा आएंगे अब चलिए यहां पर बताइए हाँ खुश नहीं होना यही कह रहा हूं खुश नहीं होना है जब भी बल्ली नब्बे आ जाए फिर भी खुश नहीं होना चलिए यहां पर बताइए यहां पर क्योंकि खुशी हो जाती है तो आदमी मेहनत करना छोड़ देता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आ गया है जल्दी से बताएंगे यहां पर तो कभी भी खुश नहीं होना है एक बहुत बड़ा एपीजे अब्दुल कलाम जी का यहां पर है कि पहले क्या उनने कहा था थॉट उनका बहुत कर रहा था कि पहली विक्ट्री पे खुश नहीं हो जाना है ठीक है नहीं तो दूसरी में फेल हो जाओगे ऐसा कुछ था बहुत अच्छे में लाइन पढ़ रखी थी मैंने चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपसे पूछा है यहाँ पर कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद अ मेटल डज नॉट गिवन हाइड्रोजन द स्टेटमेंट विच सेटिस्फाइड दिस टेंडेंसी इज कौन सा होगा यहां पर तो इसका राइट right आंसर आपका होगा यहां पर ध्यान देंगे यहां पर सभी लोग आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है यहां पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ए आयोनाइज एजेंट यहां पर ध्यान देंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहां पर 27 का फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ध्यान दीजिएगा यहां पर चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए अगर किसी को रिएक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा सारे नोट कर लेना उसी से क्वेश्चन आता है ठीक है चेंज करके नहीं आता है चलिए यहां पर बिल्कुल यहां पर रोहित जी आपका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपकी स्क्रीन के सामने चलिए यहां पर बताएंगे जल्दी से इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स नेम द इंसेट यूज्ड टू कंट्रोल ऑप्शन वीड्स यहां पर जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा ठीक है जल्दी से बताएंगे अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपिशीय अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताएं ठीक है कीट का नाम बताना है कौन सा नो यहां थोड़ा सा टफ है यानी कि किसी को बहुत कम लोगों को यहाँ पर कमेंट आ रहा है चलिए यहां पर बताएंगे जल्दी सभी लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं देखिए यहाँ पे कोची कोचिनल बिल्कुल कीट यहां पर होगा यहां पर बिल्कुल कोचीनल इंसेक्ट यहां पर बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा यहाँ पर ठीक है मेरे तो परनाउंसेशन में भी दिक्कत हो रही है ठीक है है बिल्कुल पे से निकल इंसेक्ट्स पर इसका राइट आंसर सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ध्यान दीजिएगा दो बार क्वेश्चन को पढ़िएगा स्क्रीन शॉट मारिए इसका ठीक है थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन था ये आज का चलिए यहाँ पर माइका से क्वेश्चन आया जल्दी से बताएंगे माइका से बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे क्वेश्चन आपकी पेपर में आएगा गया आएगा देखिए जो मैं ये कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है आएगा ही आएगा तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन क्योंकि हमेशा आते हैं इतनी सारी शिफ्ट होगी देखिए इतने लोगों ने 10 बारह लाख के समथिंग फॉर्म है यानी कि शिफ्ट भी बहुत सारी होगी आपकी ठीक है तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे ही जाएंगे आपसे अब आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही की शिफ्ट में आएगा पर पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन ठीक है तो ऐसे करके बटोरो ऐसे क्वेश्चन का माइका से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है चलिए आपसे पूछा है यहाँ पर क्या बताएंगे माइका शीट आर यूज इन इलेक्ट्रिकल आयरन बिकॉज क्यों यूज होता है जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बता रहे हैं बिल्कुल यहां पर हमें पता है कि माइका क्या है यहाँ पर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इट तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर और मैं आपको एक और चीज बना एक और पूछा जाता है कि कहा विद्युत इंडस्ट्री में इसको ज्यादा यूज किया जाता है माइका को ध्यान दीजिएगा ऐसा भी आपसे पूछा है माइका का सबसे ज्यादा यू, प्रयोग यूज किया जाता है यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री में किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है विद्युत उद्योग में किया जाता है बिल्कुल और माइका क्या है हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है ध्यान रखेंगे यहां पर चलिए नए क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहां पर मुकेश जाट जी सही एग्जाम्पल दे रहे हो आप चलिए नया क्वेश्चन आ गया है चलिए परसों नर्सों की बात है यहां पर मैंने भी घर में बात कर रहा था तो मैंने भी यही एग्जाम्पल दिया था जब माइका की बात हुई थी स्टार्ट हो जाएगी आज या कल में हो जाएगी ठीक है आपके रीजनिंग के देखिए जितने टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो आपको स्टार्ट भी कर, वो क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा के छोड़ दिया रीजनिंग के आपके क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे नाई रात को शायद नौ बजे रीजनिंग की क्लास है शायद से जितना मुझे पता है अभी मुझे कंफर्म नहीं है कैलेंडर पढ़ाया था नूतन मैम ने तो पढ़ लीजिएगा जिनने भी कैलेंडर नहीं पढ़ा है नूतन मैम ने कैलेंडर पढ़ा दिया है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो देख लीजिएगा कैलेंडर के ऊपर हाँ बोर्ड पे पढ़ाया हुआ उसे पर प्रैक्टिस आपको इस स्लाइड से कराई जाएगी क्योंकि इतना क्वेश्चन लिखेगा कौन उसके ऊपर चलिए यहां पर बताएंगे बिल्कुल यहां पर सही जवाब है यहां पर इको सिस्टम यहां पर बिल्कुल सही जवाब है एन इको सिस्टम सही जवाब है सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ध्यान दीजिएगा हाँ बिल्कुल यहां पे नीलम जी बिल्कुल सही आंसर है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे देखिये ग्यारह हैं बिल्कुल सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया और डेली तीन बजे तीन बजे आपकी क्लास होती है दस बजे आपकी टॉपिक वाइज क्लास होती है ध्यान रखिएगा बायो के क्वेश्चन अलग केमिस्ट्री के क्वेश्चन अलग फिजिक्स के क्वेश्चन अलग चलिए वो सीरीज तो देखिए चलती रहेगी आपके कब तक चलती रहेगी वो जब तक मतलब ये मा... कि व्यापम जब तक पेपर लेते जा रहा है वो सीरीज तो चलती रहेगी ठीक है तो उस पर ऐसा लोड मत करिएगा तीन बजे वाली क्लास को भी बस अभी आपके एमपी पुलिस के लिए स्पेशली है वो तीन बजे वाली ठीक है नया क्वेश्चन इकतीस नंबर चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि जल्दी से बताइए चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है ऐसा क्यों होता है बिल्कुल यह चीजें हमें सभी लोगों को पता है तो क्यों बदलता है जल्दी से बताइए चलिए बिल्कुल यहां पर यहां पर देखिये चंद्रमा चंद्रमा का, का विजन हमारा किस पे डिपेंड करता है सूर्यदेव के ऊपर सूर्यदेव की रोशनी से ही हम चंद्रमा को देख पाते हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इकतीस कि हम चंद्रमा का वह भाग दे, देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश प्रभावित होता है यहां पर बिल्कुल सही जवाब यहां पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन चलिए बिल्कुल यहां पे रोहित जी आपकी बात पे गौर करा जाएगा बिल्कुल यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए चलिए वो देखिए टॉपिक वाइज वाली क्लास यार सुबह सुबह लाइव नहीं हो बोलते ही नहीं बनता लाइव तो दूर की बात है ठीक है चलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसलिए दस बजे उसका टाइम है और उसमें टॉपिक वाइज में सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप उसको देखें उन क्वेश्चनों को देखें कोई दिक्कत हो रही कोई परेशानी हो रही तो व्हाट्सअप पे आके पूछ लीजिएगा उसका क्वेश्चन की सर ये थोड़ा सा परेशानी है इस क्वेश्चन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा मिल जाएगा चलिए यहाँ पर पूछा गया नया क्वेश्चन आपसे द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई विच इज सेंसिटिव टू डिम एंड ब्राइट ठीक है लाइट इज प्रकाश की प्रत्यति संदेवी होता है मनुष्य की आंख का वह भाग जो कौन सा है यहां पर जल्दी से बताएंगे चलिए जल्दी से बताएंगे डी ऑप्शन कह रहे हैं यहां यहां पर पुतली कह रहे हैं यहां पर आप लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं यहां पर बी ऑप्शन मुकेश जाट जी बिल्कुल सटीक आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिल्कुल यहां पे शलका एवं शुक य रॉड्स एंड कॉन्स यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है चलिए बिल्कुल यहाँ पर मुकेश जी बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर बस मुकेश जी का उत्तर यहां पर सही है बाकी सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल नीलम जी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपकी स्क्रीन पर चलिए यहां पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपसे पूछा गया है थोड़ा सा जूम कर देता हूं चलिए आपसे पूछा है यहां पर कि प्लांट सेल्स आर मोस्टली लार्जेस्ट देन द एनिमल सेल्स व्हाट माइट बी द प्रोबेबल रीजन माधव बादब कोशिका सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है इसका स्वाभाविक कारण क्या होता हो सकता है जल्दी से बताइए क्या हो सकता है उसका कारण क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेगा थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पर रिक्तिका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है वैक्यूल्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ठीक है डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है चलिए यहां पर देखिए जो आप किसी को अगर अभी दिक्कत है वो क्वेश्चन ऐसे हैं वो हमेशा आते हैं पेपर के अंदर वो जो आपको क्लास ली गई है छः घंटे की क्लास ली गई है दो बार ले ली गई है छे घंटे की क्लास उसको फटाफट स्पीड में रखो और देखो सारे क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकाल लो जैसा भी हो सके जैसा आपको सुटेबल लगे इस तरह तो मैं तो राय देखिए मेरे वीडियो की मैं ही राय दे रहा हूं कि फटाफट स्पीड में उसको देखें वो क्वेश्चन ऐसे हैं वो हर बार पेपर में आते हैं इसलिए उसको आपने मैंने उसको कलेक्ट किया और आप लोगों के लिए अपलोड किया है उसे कि आप लोग उसे अच्छे से देख सकें एक साथ ठीक है तो मैं कराऊंगा जब तक तो कराऊंगा जो मैंने करा रखे हैं उसको जरूर देखिए वो क्वेश्चन इतने जरूरी हैं कि वो तो पढ़ के जाना ही है उसे छह घंटे को दो घंटे में आप लोग मेरे को पता है बदल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है उसको बदलना ठीक है फटाफट हम स्पीड में चलते फिरते नाचते गाते उस वीडियो को कंप्लीट कर लेना चलिए दो बार अटेंड हो गए हैं कम से कम उसमें हो गए होंगे 800 से ऊपर क्वेश्चन चलिए यहां पर अभी आप लोगों के लिए एक और वीडियो आने वाला है छह घंटे का कम से कम हजार क्वेश्चन होंगे उसमें एमपी जी के और जीएस जी के अर्जुन सर के पढ़ाए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा की तरह वो क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर आत में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आपके लिए आ गया है आपकी स्क्रीन पे ठीक है ऊन से दूसरी पदार्थों को संशोधन को हो जाता है जल्दी से बताएंगे क्लियरिंग का द कंटेटमेंट फ्रॉम वूल इज कॉल्ड जल्दी से बताएंगे कौन सा है यहां पे धुनाई यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा धुनाई होगा क्या होगा के स्कोरिंग यहां पर डी ऑप्शन सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है आपका अभी आ, क्या क्या होगा यहाँ पे अभी मर्जक यहाँ पर बेका अभी मर्जक यहाँ पर अर्जक यहां पर बिल्कुल सही जवाब है सी आंसर यहाँ पे स्कोरिंग यहां पर बिल्कुल शेयरिंग नहीं होगा ठीक है थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है ठीक है तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग लाइव हैं और जो बाद में रिकॉर्डेड देखें उनको भी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जिसने अगर ऐसा है जिनके साथ की उनको अभी साइंस में प्रॉब्लम हो रही है ठीक है उनने ज्यादा पढ़ नहीं रखा है और पेपर आ गया उनको दिक्कत हो रही है उनको डर लग रहा है कुछ भी है जैसे एक भाई बंधु का हमारा बहुत पेपर का डर लगता है उन्हें ठीक है तो छह छह घंटे की जो क्लास है स्पेशली साइंस के लिए बोल रहा हूं बाकी तो आपकी इच्छा है आप स्व इच्छा देख सकते हैं जो क्लास है वो वीडियो ऐसे हैं उनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अब आपकी आपकी जिम्मेदारी है आपको वो कैसे देखना है चलिए थर्टी फाइव नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है चलिए प्रत्येक व्रक डेस्क है कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है कैसे होता है लाखों नलिकाओं वैसे वन थर्टी होता है एक लाख तीस हजार न्यूरो लगभग अरे मैंने आंसर ही बोल दिया क्या आज तो मतलब तेज चल रहा हूं मैं बिल्कुल यहाँ पर आंसर ही बोल दिया आपने न्यूरो पर बिल्कुल सही जवाब है आपका ठीक है ध्यान दीजिये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है प्रत्येक बोला ईच किडनी में लगभग मैंने तो एक, एक तीस पढ़ रखा है यहाँ पर ठीक है एक लाख तीस हजार न्यूरोस लगभग कुछ होता है कुछ गलत वलत हो जाए तो बता देना चलिए यहां पर आगे चलते हैं यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपकी स्क्रीन के सामने जल्दी से बताएंगे क्या होगा ठीक है जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपसे पूछा गया है बिल्कुल यहां पर रंजीत जी देखिए शुरू से टिके हुए हैं यहां पर शुरू से वीडियो में टिके हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बस क्लास खत्म होने वाली है जल्दी से बता दीजिए नया क्वेश्चन आ गया है कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धक की डिजाइन समान होती है बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या होता है बॉडी सेम डिजाइन तो क्या कहा 36 था? थर्टी सिक्स स्किप कर दो बताओ यार इतना सड़ा सा क्वेश्चन नहीं पता है हमें इतना सड़ा सा क्वेश्चन नहीं पता है यहाँ पार्टी अपन खुद को ले लीजिए अपना एक पोस्टन लेफ्ट में दोनों सेम बने हुए हैं कोई अंतर नहीं है उसमें ठीक है कितना बार बताया गया बायोलेट्रिकल यहां पर सिमेट्रिकल होती है यहां पर बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है यहां पर ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर चलिए यहां पर और भी आपके फाइलम ग्रुप में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं सिमेट्री पूछी जाती है उसमें किसकी कौन सिमेट्रिक होती है यहां पर ठीक है ठीक है इकोनडर मेटा भी शायद से बायोलेट्रिकल आता है उसमें बायोलेट्रिकल सिमेट्रिक में आता है वो हाँ बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आपकी स्क्रीन के सामने जल्दी से बताएंगे चलिए जितने क्वेश्चन पढ़ो ईमानदारी से समझ के मेरे को जितना याद आता है मैं उतना आपको बता देता हूं अभी करंटली जितनी भी चीजें मेरे को एक क्वेश्चन रिलेटेड याद आती है कि इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है ऐसे तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको बता देता हूं मैं और क्वेश्चन बोल देता हूं पेपर दे के आइएगा आप देख लीजिएगा आपको अगर नहीं मिले वो क्वेश्चन तो ठीक है पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ वन सेल कौन सा एक कोशिका से नहीं बना होता पूछा गया एक कोशिका नहीं बना हुआ है कौन सा यहां पर चलिए यहां पर जल्दी से बताएंगे कौन सा थर्टी सेवन आपसे पूछा गया यहां पर अरे हैंग्स एग अभी कल ही परसों के दिन क्वेश्चन आया था योग के ऊपर क्वेश्चन आया था वो वाइट येल्लो योग होता है उसमें सिंगल सेल होता है वो कल ही क्वेश्चन किया था और हेग मुर्गी का अंडा आप लोग टिक कर रहे हो ध्यान नहीं दे रहे हो मतलब क्वेश्चन पर राजेंद्र भारती जी गलत बात है लास्ट अगर लेक्चर में जाएंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये सिंगल एग के ऊपर सिंगल सेल के ऊपर बिल्कुल यहां पर अभी नहीं पूछा पूछाया गया तो यहाँ पर स्पैरो गायरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है ध्यान दीजिएगा स्पैरो गायरा क्या है आपका यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सिंगल सेल नहीं है यहां पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थर्टी सेवन का डी ठीक है आप लोग अमीबा या सब सिंगल सेल है पर जिसे हम लोग कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भी आपका और अमीबा भी हैंड हैंडसेग मैंने कल ही बताया था ये तो हाँ गायरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट चलिए यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट और होमवर्क भी देने वाला क्वेश्चन आ गया है दो होमवर्क हो गए आपके एक मैंने आपको बताया था एक होमवर्क क्या पूछा था मैंने कि जो ऑर्गन में फिलिंग करते हैं यहां पर स्पेस में वो क्या फिलिंग करते हैं जहां हमारा कार्टिलेज कह रहा था वो वो गलत था तो उसमें क्या फील होगा उसकी जगह वो होमवर्क था एक और क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क में पूछने वाला हूं चलिए पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर चलिए यहां पर जल्दी से बताएंगे बी है यहां पर कह रहे हैं चलिए यहां पर बताएंगे जल्दी से आप लोग जायगोट कह रहे वो भी आपका सिंगल हो गया ठीक है चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं जल्दी से टेलीस्कोप लिखा हुआ है बी वाला ऑप्शन और सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हैं दूरबीन बिल्कुल टेलीस्कोप चलिए होमवर्क क्या है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है टेलीस्कोप हमारा आपको बताना है किन्ने इन्वेंट किया था यहाँ पर ठीक है किन्ने इसका इन्वेंशन किया था ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है टेलीस्कोप का ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पूछा गया है यहाँ पर ठीक है क्लाइडल स्कोप के बारे में कल ही हमने ये क्वेश्चन करा था ठीक है प्लेन मिरर होता है ये सिस्टी का एंगल बनाता है मैंने आपको ये भी बताया था इसमें तीन मिरर यूज होते हैं कल ही बताया था मैंने आपको ये कोलाइडल स्कोप के बारे में पेरिस्कोप के बारे में भी बताया था मैंने 45 की डिग्री पे बनता है ये इसमें दो मिरर होते हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन सारे लिंक करके आते हैं आपके लिए ठीक है ठीक है बिल्कुल यहाँ पर नहीं कमेंट करके बताएंगे आंसर सही नहीं बता रहे आप लोग ठीक है टेलीस्कोप का इन्वेंट किसने किया था सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चलिए यहाँ पर ठीक है दूरबीन की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है चलिए बी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है आपका चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलिए हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं वीडियो को सभी लोग ईमानदारी से एकदम ईमानदारी जो कहते हैं ना ईमानदारी वैसे तो आजकल रही नहीं है पर फिर भी आप लोग दिखाइए ठीक है तो शेयर करेंगे वीडियो को सभी लोग और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे ठीक है शेयर करिए जितने भी अपने ग्रुप रहते हैं सिर्फ वहां पर कुछ नहीं होता बातें ही होती है तो कम से कम वीडियो शेयर कर दो ठीक है तो पढ़ने वाले को जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा नहीं तो चेक कर लेगा अपना काम करिए वीडियो को शेयर कर दीजिए ठीक है बाकी आपकी देखिए मेरी तरफ से आप लोगों को जो सजेशन है क्लास लेने का वो ये वाली क्लास है साइंस को अगर मैं छोड़ के बात करूं सात बजे वाली क्लास जो होती है ये सात बजे होती है भाई अपनी ठीक है ये क्लास अगर जो कह रहा है ना मेरे एट्टी फाइव आ रहे हैं सिक्सटी फाइव आ रहे हैं सेवनटी फाइव आ रहे हैं वो इस क्लास में आओ और पचास में से पचास लेकर आ जाओ ठीक है तो अपना और मान लेना कि हाँ सही चल रहा हूं मैं करंट अपडेट वाली है इसमें करंट के क्वेश्चन भी है एमपी जीके क्वेश्चन भी है जीएस जीके क्वेश्चन भी है और आपके करंट के क्वेश्चन भी इसमें लिए जाते हैं ठीक है तो इसमें आओ क्वेश्चन लिए जाते हैं 50 में से प्लस लेकर आना ठीक है तो मानते जाना कि हाँ सही चल रही है क्लास ठीक है ध्यान रखेगा यहाँ पर सभी लोग सात बजे वाली क्लास मेरे लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लोग जाके देखे सात बजे ये क्लास लगती है पचास क्वेश्चन की ठीक है डेली चैलेंज होता है ये आपके लिए ठीक है धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए अब ये डायरेक्ट आपको सात बजे क्लास मिलेगी जिसमें आप लोग लाइव आइएगा अर्जुन सर क्लास लेंगे मस्त रीजे स्वस्थ रीजे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का आपका दिन शुभ हो थैंक यू